अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, इसके साथ हमने क्या करा है, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे वो हमने लगा दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से भी यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल 10। अब ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें ये किसके इक्वल है, ये आपके इक्वल है a इज इक्वल टू a प्लस 10 के बराबर। ये तो क्लियर है,